ये अच्छी बात है, दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ अगेन कमिंग अप. पहले जमाने में री इशू राइट्स बिकते थे फिल्मों के. अगर आप देखो कि बहुत सी ऐसी फिल्में होती थी 10 साल के बाद 5 साल के बाद रिलीज होती थी, फिर सैटेलाइट और डिजिटल के सिनेमा के आने के बाद फिर वो ट्रेंड बंद हो गया. अब ये अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, क्योंकि जो फिल्में अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं वो सम ऑफ देम हैव डन वेल. आई थिंक तुम्बान इज वन ऑफ देम दैट डिड वेरी वेल व्हेन इट वाज री रिलीज. सो आई थिंक दैट इज इट्स अ गुड थिंग कि कुछ फिल्में जो थिएट्रिकली नहीं देख पा रहे हैं अभी वापस से देख सकते हैं, उनमें से ये एक फिल्म है. और अनिल जी जो है वो इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं कल. तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत मुबारक हो. एंड वी ऑल लव अजय जी, सो यू नो इट्स गुड. जी मतलब मेरी फिल्म प्यार के तो डरना क्या, आई थिंक वुड बी वन फिल्म विच आई वुड लाइक पीपल टू सी ऑल ओवर अगेन. बिकॉज जहाँ भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो अमंग द फिल्म दैट आई हैव डन वन ऑफ देयर फेवरेट फिल्म इज प्यार किया तो डरना क्या. तो आई थिंक वो आज भी काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, अगर थिएटर में लगे तो शायद लोग जाएं देखने. जी ऐसे तो बहुत सी फिल्में हैं और बहुत लोगों की फिल्में हैं. लेट्स सी आई थिंक ये ट्रेंड कैसा है, यू नो, बट इट्स अ गुड थिंग. इट्स लाइक इट्स एनकरेजिंग कि कुछ फिल्में जो पहले बन चुकी हैं उनको मौका मिल रहा है वापस से थिएटर्स में आने का. न्यू जनरेशन कैन सी द फिल्म, यू नो, द करंट जनरेशन कैन सी द फिल्म, मे बी दैट्स व्हाई. बस इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स और इट्स नाइस टू नो दैट राकेश जी हैज रिलीजिंग दैट फिल्म अगेन. एंड ये दो सुपरस्टार्स के साथ वैसे कब आगे चल के कोई फिल्म बनती वी डोंट नो. तो एक तरीके से यू नो इन लीडिंग रोल्स टू सी देम. जब पठान में एक छोटा सा कैमियो सलमान का आया था तो लोगों ने बहुत पसंद किया. तो ये एक फुल फ्लेज्ड परफॉर्मेंस है. तो मे बी यू नो इट्स अ गुड थिंग. वी आर ऑल एक्साइटेड.